आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? उर्फी जावेद ने दिया राइटर चेतन भगत को मुंह तोड़ जवाब। एक बार फिर से बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखती नजर आई उर्फी जावेद। वेल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साहित्य आज तक के इवेंट में चेतन भगत ने उर्फी जावेद पर कमेंट करते हुए कहा था कि आज का यूथ उर्फी जावेद की तस्वीरों को बिस्तर के अंदर देखता है, लाइक करता है। इनफैक्ट मैं खुद भी उनकी तस्वीरों को देखता हूं और उनकी आज तक की सारी ड्रेसेस मुझे पता है। तो उस दिन से लेकर आज तक सभी को इंतजार था कि उर्फी जावेद इस सारे मुद्दे पर किस तरह से रिएक्शन देगी। तो फिलहाल उर्फी जावेद ने अपने इंस्टा हैंडल पर काफी कुछ जो है इस मुद्दे पर कहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि उर्फी जावेद ने चेतन भगत के बारे में क्या कुछ कहा है और इस स्टेटमेंट पर अपना क्या रिएक्शन दिया। वेल दोस्तों, उर्फी जावेद ने एक ट्विटर यूजर का स्क्रीनशॉट शेयर किया और इस स्क्रीनशॉट में ट्विटर यूजर ने लिखा है, उर्फी जावेद इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मिसगाइडेड एंड मैनिपुलेटिंग द यूथ ऑफ इंडिया चेतन भगत। तो वहीं एक और यूजर ने इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा, सो इंडियन यूथ कैन बी मैनिपुलेटेड दैट इजली, हु शुड वी ब्लेम इट फॉर? चीप इंटरनेट, बैड पेरेंटिंग, अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी बात पर उर्फी जावेद ने लिखा है, गाइज लेट्स नॉट फॉरगेट हाउ सो मेनी वुमेन अक्यूज्ड हिम ड्यूरिंग द मी टू केस। इसी के साथ उर्फी जावेद ने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया और लिखा, जब अपनी आधी उम्र की लड़कियों को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे तब भी उन लड़कियों के कपड़ों ने डिस्ट्रैक्ट किया था ना। तो उर्फी ने एक और न्यूज आर्टिकल शेयर किया और लिखा, मैन लाइक हिम विल ऑलवेज ब्लेम द वुमेन देन एक्सेप्टिंग देयर ऑन शॉर्टकमिंग्स। जस्ट बिकॉज यू आर अ पर्वर्ट डजंट मीन इट्स द गर्ल्स फॉल्ट और व्हाट शी इज वेयरिंग। अननेसेसरली ड्रैगिंग मी इन अ कन्वर्सेशन कमेंटिंग ऑन हाउ माय क्लोथ्स आर डिस्ट्रैक्टिंग यूथ बॉयज इज सच अ एफ थिंग टू से। यू मैसेजिंग यंग गर्ल्स isn't a distraction for them though। तो वहीं उर्फी जावेद ने एक और स्टोरी शेयर की है और लिखा है, स्टॉप प्रमोटिंग रेप कल्चर यू सिकोज आउट देयर, ब्लेमिंग अ वुमेन्स क्लोज फॉर द बिहेवियर ऑफ मैन इज सो 80s मिस्टर चेतन भगत, हु वाज डिस्ट्रैक्टिंग यू व्हेन यू मैसेज गर्ल्स हाफ ऑफ योर एज, ऑलवेज ब्लेम द ऑपोजिट जेंडर, नेवर एक्सेप्ट योर ऑन शॉर्टकमिंग्स और फॉल्ट्स, पीपल लाइक यू आर मिसगाइडिंग द यूथ नॉट मी। Encouraging man to put the blame on the women or her clothing when they are at fault. उर्फी जावेद ने अपनी स्टोरीज में दो जो है चैट के स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं और यहीं पर उन्होंने एक और न्यूज आर्टिकल शेयर करते हुए चेतन भगत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो फिलहाल आप भी हमें कमेंट सेक्शन में इस सारे मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरह से एक जाने माने राइटर चेतन भगत ने उर्फी जावेद के ऊपर स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद उर्फी जावेद का रिएक्शन आना तो वाजिब था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां भी हमें जरूर फॉलो कीजिएगा। What was the need to mention my name at a literature festival? I'm not an author. मेरा कोई लेना देना नहीं है। Also, you said कि मेरी वजह से यूथ खराब हो रहा है, चुप-चुप के लोग मेरे पोस्ट देखते हैं। अरे आप तो चलो, आप तो बड़े हो, यूथ छोड़ो, आप तो मेरे अंकल की उम्र के हो, सबके मतलब यूथ के अंकल की उम्र के हो, बाप की उम्र के हो। आप शादीशुदा होने के बावजूद अपने से आधी उम्र की लड़कियों को क्यों मैसेज कर रहे थे? तब कुछ खराब नहीं हो रहा था आपका, ना आपकी शादी खराब हो रही थी ना आपके बच्चे खराब।